गाँव के कारण इनको टाइम से खाना नहीं मिलता है। जैसे अंदर 100 की क्षमता है, 250 मवेशी है, कैसे उसको भूसा चारा दी जाएगी? यहाँ पत्थर में क्या खाएंगे मवेशी? किनारे टाइम से खाना नहीं मिलता है। जैसे अंदर 100 की क्षमता है, 250 मवेशी है, कैसे उसको भूसा चारा दी जाएगी? यहाँ पत्थर में क्या खाएंगे मवेशी? रुक जा, किनारे के साथ खिलवाड़ मत करो। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कारण यहाँ मवेशी आए दिन 15 से 20 मर रहे हैं। सरपंच गेट्टी, होश में आओ, 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 होश में आओ। समस्या एक तो है, आपने देखा कि जो गाय ने बच्चा दी है उनके बच्चों की भी कुत्ते रात को खा लेते हैं। शेरा गाय की मौत हो रही है, गाय की मौत, ये चारों तरफ बाउंड्री है और इनको भोजन न दिए जाने के कारण 100 गाय की क्षमता है जिसमें से 200-250 गाय इसमें डलवाए गए हैं। हर व्यक्ति के द्वारा दबाव बना के डाला जा गाय मवेशियों को भेजा जाता है, जिसके कारण यहाँ मवेशी आए दिन 15 से 20 मर रहे हैं। गाँव में इतना बदबू फैला हुआ है, तो हम लोग ये चाहते हैं ग्रामवासियों सब मिल के कि यदि गौशाला में गाय डाली ना जाए, यदि डाली जाए तो उनकी व्यवस्था बनाई जाए। गायों की मौत की क्या कारण मानते हैं? गाय की मौत का कारण है उनको भूसा चारा ना मिलना। किसको जिम्मेदार मानते हैं? सरपंच को। अभी कितनी गाय मृत? अभी वर्तमान में 15 गाय मरी हैं। इसकी सूचना आप लें किसी? हमने सरपंच साहब को फोन लगाया तो सरपंच साहब फोन नहीं उठाए। सहायक सेक्रेटरी को फोन लगाया तो उन्होंने बताया कि हमारे अंदर की बात नहीं है। कुछ गायें घायल भी दिख रही हैं। हाँ, तो ये डॉक्टर साहब को देखना चाहिए, डॉक्टर साहब कभी आते नहीं यहाँ पे। कौन है डॉक्टर साहब? अब डॉक्टर साहब कोई है यहाँ तो बताते कि डॉक्टर साहब डेली आते थे, डेली आते होते तो गाय कुछ बच्चा दी हैं जिसकी देह भी निकल आई है और पड़ी हैं, कुत्ते खा रहे हैं। कब से इस तरह की स्थिति बनी हुई है? ये करीब आप मान के चलिए 1 साल हो गया ऐसा। इसकी शिकायत पहले भी आप लोग? शिकायत अब सरपंच को हम लोग करते हैं, अब ज़्यादा ये इसमें ध्यान नहीं दिए, लेकिन जब अब इस तरह दुर्दशा है तब हम लोगों को आगे कदम उठाना पड़ा। क्या कहना चाहते हैं आप? हम ये कहना चाहते हैं कि मवेशी गौशाला में ना डाले जाएं, यदि डाले जाएं तो व्यवस्था बनाई जाए। अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं होता तो कलेक्टर के पास जाएंगे, हम लोग धरना करेंगे। क्या नाम है आपका? अजय तिवारी। मैं आपका कौन सा गांव है? पवन तिवारी नाम है, मैं कांग्रेस IWC का जिला अध्यक्ष हूँ और गाँव मेरा यहाँ बखेरा है। क्या कुछ समस्याएँ जा रही हैं? समस्याएँ सर ये जा रही हैं कि यहाँ हमारे यहाँ जो गौशाला है तो गौशाला में मवेशियों की क्षमता 100 है और यहाँ आसपास जैसे पड़रा हुआ, रायपुर हुआ, राउरा हुआ, यहाँ से लोग बाग गाय रात को लाके यहाँ अंदर करवाते हैं, जो कि ये राजनीतिक व्यक्तियों के द्वारा आते हैं। यहाँ जब रात को मवेशी आते हैं तो लोग कहते हैं कहीं सांसद जी का फोन आ गया, कहीं विधायक जी का आ गया, कहीं DPCM का फोन आ जाता है कि भाई हमारे यहाँ से मवेशी आ रहे हैं, बैठ दें। तो श्रीमान जी, हमारे कहने का मतलब ये है कि जब हमारे यहाँ गौशाला की क्षमता 100 मवेशियों की है तो हमारे यहाँ 250 मवेशी क्यों भेजे जाते हैं? अभी क्या समस्या है? अभी समस्या एक तो है, आपने देखा है कि जो गाय ने बच्चा दी है
उनके बच्चों की भी मवेशी कुत्ते रात को खा लेते हैं, ज़्यादा मवेशी हैं उनको भोजन नहीं मिल रहा है, दूषित पानी मिल रहा है, बगल में कचरा प्लांट है उसका दूषित पानी आता है। अभी कितनी गायें मृत हैं यहाँ पे? अभी 10 से 15 गायें मृत हैं जिनका वीडियो आपके पास संलग्न है। इनका कारण क्या मानते हैं, मौत का कारण? मौत का कारण इनका टाइम से खाना नहीं मिलता है, जैसे अंदर 100 की क्षमता है 250 मवेशी है, कैसे उनको भूसा चारा दी जाएगी? यहाँ पत्थर में क्या खाएंगे मवेशी? और जो यहाँ बच्चा दिए हैं गायें उनको अंदर नहीं रखा जाता है, उनके बच्चों को भी कुत्ते खा लेते हैं रात को। उनकी व्यवस्था बननी चाहिए, अगर कोई मनो प्रशासन इनका आदमी इसको बिड़वाता है, इसकी क्षमता इसको देखना चाहिए सर कि मैं यहाँ क्षमता कम है। अच्छा, जो बच्चे देती हैं गाय उनको अंदर करना चाहिए, जो बच्चे देने वाली गाय है। सूर्य प्रकाश तिवारी, क्या समस्या जा रही है? समस्या यहाँ सर, यहाँ गौशाला जो बने थे आए दिन जानवर मर रहे हैं, 15-20 जानवर। कौन सा गांव है ये? बक्षेरा है। अभी क्या किस तरह से? अभी हम लोग देख रहे हैं तो 15 जानवर मरे हुए पानी में, फूले हुए हैं एकदम। क्या कारण है? खाना नहीं मिल रहा है, व्यवस्था नहीं है यहाँ। किसकी लापरवाही? सरपंच सेक्रेटरी जो यहाँ देख रेख कर रहा है राजीव। कब से इस तरह के हालात? यहाँ सालों से चल रही है इस तरह की व्यवस्था। इसकी शिकायत कहीं की? शिकायत कई बार हम लोग सरपंच सेक्रेटरी से संपर्क किए तो बोलते हैं कि ऊपर बात करो। तो क्या सरपंच सेक्रेटरी जिम्मेदार नहीं है? अभी कोई नहीं आता है, ये जो कर्मचारी है ये खा के रहता है, कोई मतलब नहीं रखता। गायें भी कुछ घायल हालत में बहुत पड़ी हुई हैं, बच्चे भी देते हैं वो भी सड़ रहे हैं, बच्चे को कुत्ते खा रहे हैं। कोई देखरेख करने वाला? कोई नहीं है देखरेख करने वाला। समस्या का समाधान नहीं होता? नहीं हो रहा है। ऊपर जाएंगे कलेक्टर साहब से बात करेंगे, धरना रखेंगे। क्या नाम? यहाँ गंदगी, सूर्य प्रकाश तिवारी, यहाँ गंदगी फैल रही सर। जी मैडम, एक ये बखेरा ग्राम पंचायत का जो गौशाला बना है वहाँ दर्जन भर गायों की मौत हुई है। जनपद पंचायत का ये ग्राम पंचायत है जिसके हम लोगों के पास ये विषय संज्ञान में आया था। इसमें जनपद पंचायत और जेडी वेटरनरी की टीम ने इसमें विजिट किया है और चूंकि बरसात के समय में जो गौ वंश की वहाँ पर मृत्यु हुई है उसके क्या कारण रहे हैं, कोई जो गौवंश वहाँ पर हैं वो बीमार थे क्या, इस सभी कारणों का हम लोग पता लगा रहे हैं। और कारणों का पता लगाने के साथ साथ में जो अभी वर्तमान में वहाँ अन्य गौवंश हैं उनके अभी स्वास्थ्य परीक्षण जो है वो वेटनरी की टीम के द्वारा किया जा रहा है। तो जैसे ही ये कारण संज्ञान में आएगा, कारण स्पष्ट क्या कारण से ये डेथ हुई है ये पता चलेगा, वैसे ही हम लोग तदनुसार कार्रवाई करेंगे। स्थानीय लोगों कह रहे हैं गंदा पानी पीने से मौत हुई है। ये वेटरनरी की टीम एक बार इस विषय को देख करके देख ले कि क्या कारण रहा है कि गौवंश की इस तरीके से संख्या थोड़ी ज्यादा है, तो ये संख्या किस कारण से ऐसी रही है इसका हम लोग पता लगाएंगे। बेला से